हेलो नानी, बिग फैन है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ब्लॉग में आओ, ब्लॉग में आओ। बॉस इधर देखो, हमारी चाची लोग भी बैठी है। हाय गाइस, उधर नहीं उतना नहीं देख पाते, पर फिर भी आप कितना एक सेकंड तक देख पाएगा? दो से तीन सेकंड? नहीं नहीं। तो और मिलन भाई, आज तो हम लोग दोनों का लास्ट मिलन है। मिलन भाई, हम दोनों का लास्ट। तो कैसा फील हो रहा है आपको मिलन भाई? ठीक है, सही है, जाना भी पड़ेगा। बट हाँ, अब दो दिन आते हो ना, ऐसा होता है कि कोई आता है हाँ घर पे, दो दिन रह के, तीन दिन रह के चला जाता है, तो एक वो होता है उस टाइम के लिए ना कि हाँ, मतलब थोड़ा सा लोनली फील होता है। लोनली फील होता है यार, इतना सा हमारे रिलेटिव्स आते हैं ना, चले जाते दो तीन दिन बाद, तो ऐसा मतलब वो अलग होता है घर का माहौल ना कुछ टाइम तक, तो वही सीन होगा। घूमना फिरना, मेमोरीज क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर निकल जाना क्या। बट कोई नहीं आओगे भाई, कोई नहीं, लाइफ है। जब भी आओगे ऐसा है ना, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, फ्यूचर में मैं गुवाहाटी में रहूंगा, शादी हो जाएगा, शादी होगा गुवाहाटी में रहूंगा, गुवाहाटी में और बढ़िया से घूमेंगे। बहुत जो जहाँ मैंने घुमाना था मैंने घुमा दिया भाई, भूटान जो लेके आना था, बट भूटान हम अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि उन भाई का वोटर आईडी ओरिजिनल चाहिए यहाँ पे। बाकी अरुणाचल बॉर्डर वगैरह तो मैं घुमा दिया, बाकी यहाँ पे ऐसा है भी नहीं कुछ घुमाने को। एक और बोगामाटी करके है, जो भूटान से तो कम ही। बोगामाटी भूटान से अच्छा नहीं है, और जो हम गए वहाँ कल। अच्छा, बाकी इधर उधर तो नहीं है। अब जाना है तो काजीरंगा जाना होगा, जो की बहुत दूर है थोड़ा सा। कोई नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे उसके बाद अच्छा से घूमेंगे। एंड गाइस, अभी हम लोग धूप सेक रहे, बाकी न्यूज़ भाई भी ऊपर नहीं देख पाता है यार सूरज में। हम भी नहीं देख पाते, ठीक है। तो भाई साहब, अभी फटाफट से खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर पैकिंग वैकिंग हो चुका है, फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से। और यहाँ पे ठंडा तो है बट ठीक है, वैसे तो कंबल के अंदर घुसे रहते तो भाई ठंडा नहीं पता चलता। अभी धूप है मस्त। इधर देखो, गुड मॉर्निंग दादू जी, गुड मॉर्निंग। नहीं सुनते नहीं, कान सुनाई नहीं देता। कोई नहीं कोई नहीं, वो समझ गए। गाइस चलो, अभी इधर पैकिंग हो चुका है अपना पूरा, और वो बैग में भी जो कपड़ा था सब सारा चीज़ पैकिंग हो गया। सीरम डालना भूल गया है, ठीक है। तो चलो सीरम भी डाल देते हैं, तो बस ऊपर से एक जैकेट लगा लेंगे, उसके बाद अभी मस्त खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा बैठेंगे, उसके बाद आराम से निकलेंगे। 12:25 में ट्रेन है जो कि हम लोगों को रात में उतार देगा तिनसुकिया जंक्शन 10 बजे, ठीक 10 बजे। उसके बाद वहाँ से 1 घंटा का रास्ता होगा मोनू भाई का। आप लोग मोनू भाई को शायद से जान रहे होंगे, मोनू देवड़ी जो टीवी शो में भी आए हैं। फटाफट से खाते हैं। आंटी जी हम लोग के लिए आमलेट मस्त बना दिए, आमलेट बना दिए, चावल बना दिए, मस्त खाते हैं। उसके बाद फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। अभी 10 बज चुका है, 1 घंटा हम लोगों के पास है यहाँ से। उदालगुड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, मिलन भाई हम लोग को छोड़ देंगे। एंड गाइज, आप लोग देखते हो गए मैं मिलन भाई बोलता हूँ, और मेरा तो रियल नेम है सावन, ठीक है। तो सावन बोलते हैं और मैं मिलन भाई बोलता हूँ। देखो चैनल का नाम लेने मन नहीं करता यार, ठीक है चैनल है उस नाम से, बट हम लोग का रियल नेम भी तो है ना, तो बस यही चीज़ है। मेरा गरीब और उनका। देखो गाइस, ये आंटी क्या बना, ये दाल है, फिर बैगन का, ये बैगन है, भरता है, एंड साग है, दाल है, आलू चोखा है, एंड ये चावल। तो गाइस चलो खाते हैं फटाफट से। नारियल देखो, ये देखो भाई सामान है। सावन महाली, तो चलो गाइस चलते हैं। तो मम्मी जी को आशीर्वाद लेना भूल गए, एक सेकंड। चलो भाई मिलते हैं, नहीं क्या? ठीक है, चलो मेरे भैया जी, आशीर्वाद ले लेते हैं मम्मी जी का। चलो गाइस, आ सकता हूँ ना तुम्हें छोड़ के? यहाँ से उदालगुड़ी कितना दूर है? यहाँ से उदालगुड़ी तुम्हारा 6 किलोमीटर, 10 मिनट में पहुंचा दूंगा, ठीक है। वैसे 12:25 में 5 मिनट में भी चढ़ा दूंगा, बट उसके लिए 5 मिनट में भी पहुंचा दूंगा, बट हेल्थ का रिस्क है थोड़ा। कोई नहीं, अच्छा थोड़ा उसमें अपने जीन मतलब क्या बोलते हैं, जान को जोखिम में डालना, जान को जोखिम में डालना, सीट बेल्ट लगा लेते हैं भाई। हाँ इधर ये खेत है ना।
ये इधर होता है, अरे काट दिया गया है ना। इसलिए भाई सो गाइस चलो अभी उदलगढ़ी यहाँ पे आ चुका है एंड फाइनली न्यूज़ भाई छोड़ने आ गए थे एंड चलो भाई ख्याल रखो, तुम भी अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है बाय बाय, ध्यान से जाना। चलो गाइस चलते फटाफट से। तो गाइस प्लान में एकदम चेंजेस आ चुका है, प्लान में ये चेंजेस आया गाइस कि हम लोग वापस लौट रहे हैं सिलीगुड़ी, ठीक है। तो अभी हम लोग भाई साहब उदलगुड़ी से जो जाने वाले थे तो वो तो चेंज हो गया, अब हम लोग डायरेक्ट अपना नानी घर जा रहे हैं। मोनू भाई को भी बोल दिए क्योंकि घर से कॉल आया था गाइस नानी घर से, कुछ अर्जेंट काम पड़ गया तो इसी कारण हम लोग बैक ले लिए। ये देखो सुमन जा रहे हैं। तो भाई आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? हम मोलदेश है। मोलदेशिया? मोलदेश। ये कहाँ पड़ते हैं? रोहता। तो हम लोग को गुवाहाटी के लिए बस पकड़ना है, यहाँ से दाहिने जाना होगा। ओके ये देखो भाई साहब, भाई साहब तो ये और देखो उधर बस लगा हुआ है। चलो भाई राइट, चलो ध्यान से चलो। चलो भाई साहब अभी फटाफट से गुवाहाटी के लिए पकड़ेंगे और गुवाहाटी कामाख्या गुवाहाटी से वहाँ हम लोग का 9 बजे का ट्रेन है, सिलीगुड़ी तक जाएगा हम लोग। कितना 9 बजे से ट्रेन है गुवाहाटी से, तो सिलीगुड़ी हम लोग कितना बजे पहुँचेंगे भाई? 4:30 बजे पहुँचेंगे, वहाँ से 5 बजे। रुक जा, इतना गाड़ी आ रहा है, ये देखो गाइस खाली आर्मी गाड़ी जा रहा, आर्मी गाड़ी। बिग फैन है, शुक्रिया भाई शुक्रिया। ब्लॉग में आओ, ब्लॉग में आओ। और सब बढ़िया, यही से आप? अच्छा असम से। दिल से शुक्रिया भाई, दिल से शुक्रिया। हाँ गुवाहाटी गुवाहाटी। तो गाइस चलो हमारे भाई मिल गया यार, दिल से शुक्रिया भाई। अभी हम आए थे उदलगुड़ी तरफ, उदलगुड़ी ठीक है। तो चलो गाइस ये बस जाएगा गुवाहाटी, ध्यान से भाई ध्यान से। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो गाइस अपना सामान रखा गया। तो गाइस जो भैया अभी सेल्फी लिए वो बस के कंडक्टर है, ठीक है भाई, इतना सारा प्यार असम से। हेलो नानी, बाय बाय। चलो गाइस दे दिया उनको, आशीर्वाद भी ले लिया भाई। हाय चलो दादा, रुको दादा हमें बोलछी बाबा। अरे दादा सो ना बोल ना, ए नका दिनेश ने इतू के मजार दिन आनंद लागो तात दे, बोस ना बाबा बोस। ए दादा टू टुकुन তুই বলে বস তো বস হইল হ্যাঁ চলো চলো দাদা চলো গাইস আবি চলতে কামাখ্যা স্টেশন চলো দাদা তো গাইস আবি যা রে কামাখ্যা স্টেশন फर्स्ट बार एक्सपीरियंस मेरा रिक्शा में फर्स्ट बार है गाइस ये, बट ठीक है यार बहुत ज्यादा अच्छा है भाई, हेल्पफुल है। चलो गाइस हम लोग तो हर बार ऑटो पकड़ लेते हैं, हम यही सजेस्ट करेंगे आप लोग को भी गाइस, क्योंकि देखो बहुत से लोग होते कैब करते ऑटो करते, कभी दो पैसा इन अंकल को भी कमाने दो, ठीक है। तो आप लोग ये सब ध्यान दो, बैठ जाओ यार क्या है। वो देखो एक अंकल जी आगे भी चल रहे हैं, राइट। अब देखते हैं वो पहुंचेगा हम लोग कामाख्या स्टेशन। टुमक टुमक चांदी दीचे तू पहाड़ी नोमा, छम छमा पायल बजे बजर सिंह घुमा, चाल ताल जला कर चूड़ी कन हरा, चुनरी तेरी ओए होए चुनरी तेरी चमकीली गुलाबी सरारा। तो गाइस ये है कामाख्या स्टेशन, आई मीन जंक्शन। गाइस चलो आ गए हैं, फटाफट से टिकट कटवाते हैं उसके बाद चलते भाई। गाइस फाइनली ट्रेन आ चुका है, तो
तो गाइस अभी साउंड भैया खा रहे हैं, देख सकते हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग को जिस टिकट मिला था वो टिकट वेटिंग में था, इसी कारण हम लोग सीट नहीं पाया। तो अभी चलते हैं देखते हैं। तो गाइस हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी में उतर चुके थे एंड गाइस यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी से फिर सिलीगुड़ी जाना पड़ता है, फिर जाके हम लोग पहुँचते डामडीम मोड़ जहाँ पे हम लोग का नानी घर है। ठीक है, तो अभी बात ही कुछ ऐसा है भाई साहब, अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेस वाली गाड़ी में। ठीक है, तो भाई साहब गाइस अभी हम लोग जा रहे प्रेस वाली गाड़ी में, क्योंकि भाई साहब 5 बजे ट्रेन है सिलीगुड़ी से न्यू माल बाज़ार के लिए। तो इतना देर वेट नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि 8 घंटे ट्रैवल किए हैं वो भी ट्रेन में भाई साहब, बहुत ज़्यादा थकावट हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए अब नहीं हो रहा है हमसे, पूरा थक गए क्या ही बताएं। एंड बेचारा ये सोया नहीं है, बड़ा उस दिन सोया था साला, आज सोया नहीं है खाया नहीं क्या खाया नहीं है। हम तो बिरयानी लिए थे भाई, बिरयानी आप लोग पता है गाइस भाई साहब, खिचड़ी और टमाटर मटर सब भर दिया और 2 लेग पीस भरा था भाई, मजा ही नहीं आया। बाल भी देखो ना क्या हो गया, तेरे नाम जैसा हो गया है भाई अभी पता है खाली बिस्तर का याद आ रहा है, बिस्तर का याद आ रहा है। अभी कितना टाइम हो रहा बता दे सुमन भाई, अभी तो भाई फोन निकाल के दिखा देना टाइम, बता टाइम देखो गाइस। ठीक है, ये देखो 3:10 हो रहा भाई साहब, और रात को कितना बजे चढ़े थे हम लोग, शाम को 5:15 में चढ़े थे ट्रेन, और दूसरा दिन का 3:10 बज गया भाई। तो सोचो गाइस कितना ज्यादा हेक्टिक डे रहा होगा। 2 घंटा का अभी सफर है, हाँ 2 घंटा का अभी सफर है, सिलीगुड़ी से जाना है डामडीम, अभी भी 2 घंटा बोल रहा है गाइस, बताओ यार बहुत ज्यादा हेक्टिक डे है। बट कोई नहीं, क्या ही करेंगे यार, यही लाइफ है। अगर आज मेहनत नहीं करेंगे, आज ट्रैवल नहीं करेंगे, तो कल अगर फल की चिंता करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा यार। हम लोग भी तो बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, वैसा तपना भी तो पड़ेगा, वैसा तपस्या भी तो करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा, इससे थोड़ी ना मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। एंड गाइस आप लोग मेरा आँख देख सकते हो, 8 घंटा से सोया नहीं है यार, सोया नहीं है, लग रहा ना ऐसा। तो गाइस इधर देखो चाय पी रहे भाई साहब। ठीक है एंड गाइज, अभी यहाँ से माल बाजार 65 किलोमीटर है एंड गाइज, यहाँ देखो खूब सारे न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो बहुत सेक्रीफाइस करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि यही गाड़ी 3:30 बजे निकल रहा था, तो इसी में आना अच्छा रहा, क्योंकि भाई साहब 3 घंटा और स्टेशन में रुकते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। चाय पी पी के मस्त जाएंगे, अभी सुमन भी नीचे चाय उतर के चाय पी रहे, सुमन भी। तो गाइज फिलहाल अभी नानी घर पहुंच चुके हैं, और कल भाई साहब 5 बजे भोर को पहुंचे थे डामडीम मोड़ पे, बस टोटो ओटो नहीं मिल रहा था कुछ भी, तो फिर अगल बगल के भाई लोग मिले, तो वो लोग का टोटो से जान पहचान था जिनका टोटो था, तो फिर वो टोटो मंगवा दिए थे, तो फिर हम लोग को घर छोड़ दिया। एंड फाइनली भाई साहब आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, तो बस होपफुली आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, फिर नया मस्त सा ब्लॉग बनाएंगे। तो चलो बस बाय।